मथुरा में रोडवेज संविदा कर्मी की संविदा समाप्त करने पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने वर्कशॉप पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और संविदा कर्मी की बहाली की मांग की। रोडवेज कर्मचारियों ने दो दिन पूर्व कर्मचारी सतपाल की संविदा समाप्त कर दी थी। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी सतपाल की बहाली को लेकर प्रदर्शन करने लगे। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार अधिकारी हर 15 दिन में भर्ती कर रहे हैं और 15-20 दिन में ही संविदा कर्मियों की संविदा को समाप्त कर देते हैं और गलत तरीके से भर्ती कर धन अर्जित कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत की थी, लेकिन जब कोई समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने इस मामले की जानकारी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कई कार्यकर्ता रोडवेज कार्यशाला पहुंचे और प्रदर्शन किया। नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह टपेन साहब और मैं सर 5 के ड्राइवरी पर यहाँ गाड़ी चलाता हूँ। कोई बात नहीं, सड़े हुए सब बुरी तो गाड़ी दे, वो जब देखा है बढ़िया पे लगा फिर हटा दे वापस तीसरे तरह। अब मैंने बात हकीकत बताई तो इन्होंने मुझसे जब मीडिया आए तो इन्होंने मुझे हिम्मत कर दिया, चलो साहब। फिर मैं गया था फॉरमैन साहब के और मिलने के लिए कि मैं साहब गाड़ी इन्होंने कहा था प्राइवेट में तो काम करा रहे हैं। फिर मुझे कह के तुम जो कहते मीडिया वाहन से कि मेरे साथ दिमागी संतुलन सही नहीं था और मैं टेंशन में था। फिर तब याद तो फिर पढ़ी लिखा साड़ी पर मैं लोग बढ़िया रहे, मैं ना ही कर मैं नहीं बनवाऊंगा कुछ भी ऐसा, क्योंकि 20-25 साल थे तो यहाँ काम ना करवाऊ में ना इनका ट्रांसफर हो ना कछुआ यही ड्रामा है कर रहे हैं रोजाना। फोरमैन ने इस बात को क्यों बोला? फोरमैन ने बोला था इस बात को, ये फोरमैन ने पता है फोरमैन कोल खोरी को काम कराता नहीं है। फोरमैन नाम है संतोष अग्रवाल। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि मीडिया की पाबंदी भी की गई थी? हाँ, मीडिया को एक खड़े इनसे कहा गया था मीडिया नहीं आए अंदर, गिरे लवकुश। लवकुश तो खुद कहा था, लवकुश ने कहा था मीडिया नहीं, और एआरएम साहब ने कही। जब ये बता मैं दोषी काय को दोषी में काम बात कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ मैं धन्यवाद है आपके लिए पहले तो। और काम ये है कि ARM जो गुप्ता जी हैं उनकी निरंतर शिकायतें हो रही हैं। जो संविदा वाले हमारे भाई लगे हुए हैं अपने काम में इनके विभाग में, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी 20 दिन में, महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, मतलब जल्दी से जल्दी उन्हें रिटायर कर देते हैं अपने यहाँ से, दूसरी भर्ती कर लेते हैं। तो ये जो दुकान लग रही है उस दुकान के बारे में जानना चाह रहे हैं और उनको बताया है, बुलाया भी है, मैंने कहा है आप मुलाकात कर लो जिससे हकीकत की जानकारी हो जाए। तो ये समस्याएं हैं। दूसरा ये है कि निरंतर सवारियों के माध्यम से, हर जनमानस के माध्यम से ये संज्ञान में आ रहा है कि ये जो बसें चल रही हैं, जो निरंतर दुनिया भर की दुर्घटनाएं घटित होती हैं, वो भी उसका कारण है कि कहीं किसी की स्टीयरिंग में कमी है, कहीं किसी की जो है गियर बॉक्स में कमी है, दुनिया भर की इस तरह की कमियाँ हैं जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। और अधिकारियों का ये एक सबब सा बन गया है, ऐसा मन बन गया है कि उस ओर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि एक अधिकारी को प्रोटोकॉल के तहत जब संविदा कर्मी या अन्य कोई अधीनस्थ बताने में आता है तो वो संकोच करता है, उसे थोड़ा सा एक अलग तरीके का महसूस होता है और वो फिर उनको हड़का भी दिया जाता है। तो उस माध्यम में हम लोग आज आए हैं। मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारी टीम हैं, जिलाध्यक्ष हैं मेरे छोटे भाई देवेंद्र रघुवंशी जी, मंडल अध्यक्ष हैं गजेंद्र परियार जी, तमाम और पदाधिकारी हैं। मुझे माननीय राकेश टिकैत जी ने इसलिए वो कर रखा है कि एक शिष्टाचारिक भेंट होने के बाद में उसका कोई निराकरण हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। प्रकरण का अगर निराकरण नहीं होता है तो किसान यूनियन क्या करेगा? नहीं, अब हम जब आ गए हैं तो निराकरण होके ही रहता है। आपको पता है कि जब माननीय मोदी जी निराकरण के लिए बात कर दिए तो ये अब ARM साहब क्या करेंगे? ये संज्ञान में डाला जाएगा और उच्च स्तर अधिकारियों के संज्ञान में डाला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं लेकिन कि कहीं कोई व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी ना आ पावे, हम चाहते हैं व्यवस्था भी बनी रहे और ये इधर जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, किसी व्यवहारिकता को लेकर के, किसी अन्य चीजों को लेकर के वो बैठ करके सामंजस्य बैठ जाए, वो ज्यादा अच्छा है।
परिहार भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष आगरा। क्या इस मामले को लेकर के आज आप रोड पे? देखो मामला क्या है, यहाँ शिकायत है कि हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद नए लोगों की भर्ती की जा रही है और वो भर्ती भी कुछ मामला गड़बड़ है। भर्ती भी जो की जा रही है कुछ अपना जुगाड़ करके की जा रही है, तो भाई इससे जानकारी हमें भी होनी चाहिए क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है। कितना? 25,000 रुपए का लोग खुद यहाँ पे आप देख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी अधिकारी आने से कतरा रहे हैं और यहाँ लोग बैठेंगे, जब तक बैठेंगे तब तक अधिकारी इनके बीच में नहीं आएंगे और इस तरीके का चलेगा तो चलने नहीं दिया जाएगा। इसके मेन मामला क्या है जैसे किसान यूनियन को आना पड़ा वर्कशॉप में? भाई देखो ये भी जो नौकरी कर रहे हैं ये भी तो किसान के बेटी बेटा हैं, ये कहीं आसमान से थोड़ी टपक के आए, ये भी तो किसान के बेटी बेटा हैं। जब इनके पाले बात आई ये नहीं संभाल पा रहे हैं तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को इन्होंने बताया और भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पे आया है इस बात की जानकारी के लिए। जो सक्षम अधिकारी है बीच में आके वार्ता करें, वार्ता के दरवाजे अभी खुले हुए हैं, अन्यथा की स्थिति में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी रोडवेज विभाग के अधिकारियों की होगी।